सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि खुशी की बात है। देयर इज अ वेरी गुड अपडेट अबाउट द रीसेंट सेबी रेगुलेशंस और रिटेलर्स के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि खुशी की बात क्या है, देन विल डिस्कस एक छोटा सा जो ड्रॉबैक है उसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ अबाउट द रीसेंट सेबी रेगुलेशन। अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशन, अभी क्या होने वाला था कि जब भी आप कुछ अपना होल्डिंग से सेल करोगे कोई भी स्टॉक, और उस पैसे से अगर आपको कोई दूसरा स्टॉक खरीदना होता तो आपको अपने डीमैट में पैसे रखने होंगे, मतलब मार्जिन रखना होगा। आप उस पैसे से वो दूसरा स्टॉक नहीं खरीद सकते। अगर आपके डीमैट में पैसे नहीं है तो आपको पेनल्टी गिरेगा। फाइन, तो ये था अभी नया रेगुलेशन कि अगर आपके पास होल्डिंग है वो आपको सेल करने के बाद जो पैसे मिल रहे उस पैसे से आप कोई दूसरा स्टॉक नहीं खरीद सकते, सब्जेक्टेड कि आपके पैसे आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे नहीं है। तो ये था अभी तक सेबी रेगुलेशन। तो इसके बारे में द ब्रोकर्स बहुत बात कर रहे थे और वो लोग ट्राई कर रहे थे कि इसका कोई सोल्यूशन ले आए, एंड दे ब्रॉट इट, और उसका नाम है अर्ली पेन। अर्ली पेन के बारे में और VAR और ELM मार्जिन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पर डिटेल पर बात की, यू कैन चेक दैट आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अर्ली पेन के द्वारा अभी टॉप ब्रोकर्स ने क्या किया है, उन्होंने बोला था कि वो T+1 डे पे स्टॉक्स को सेटल कर देंगे थ्रू अर्ली पेन, बट अभी ब्रोकर्स ने बोला है कि वो लोग टी डे में ही सेटलमेंट कर देंगे। तो जैसे आप पहले कुछ भी सेल करते थे, पहले होल्डिंग में कुछ भी सेल करते थे, तो उसका सेटलमेंट होता था T+2 डेज के बाद। आप कुछ भी सेल करो तो आप देखोगे आपको CHDL से मैसेज आता था आफ्टर 2 डेज। तो अभी मैंने रिसेंटली ये अगस्त मंथ पे मैंने जब अपना होल्डिंग सेल किया, मैंने देखा कि मेरे जो है तुरंत उसी दिन मुझे CHDL से मैसेज आ गया कि दिस एंड दिस स्टॉक हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये अर्ली पेन के वजह से ये सेटलमेंट उसी दिन उसी ट्रेडिंग डे पे हो जा रहा है, और उसी ट्रेडिंग डे पे सेटलमेंट होने के कारण आपको मार्जिन ऑन सेल देना नहीं पड़ रहा है, मतलब सेलिंग मार्जिन आपको देना नहीं पड़ रहा है। So this is going to be very beneficial for the retail traders, जो लोग पूरा अपना पैसा ऐसे positional trade पे लगाते हैं और उसी पैसे से फिर से उसी दिन ही कुछ दूसरा stock लेते हैं, उनके लिए ये बहुत ही beneficial होने वाला है। So that's a very good news for all the investors। बस थोड़ा भी brokers के back team को थोड़ा problem होने वाला है, क्योंकि उनको settlement बहुत जल्दी कर देना पड़ रहा है, नहीं तो उनको अभी पहले 2 days का time मिलता था, पर अभी on the trading day ही उन्हें settlement कर देना पड़ रहा है। तो back office में थोड़ा pressure रहेगा, थोड़ा rush रहेगा, but आपको उस बारे में worry नहीं करना है। You are an investor, आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा, और brokers ये make sure करेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। So now we'll come to the problem। तो इस में एक छोटा सा problem आने वाला है। ओनली एक वन टाइप ऑफ ऑर्डर, उस वो कौन सा ऑर्डर है कि अगर आप अपने होल्डिंग से कुछ बेचते हो, बेचने के बाद जो आपको पैसा आता है उस पैसे से आप वही स्टॉक उसी दिन अगर खरीदना चाहते हो आप वो नहीं कर सकते। मैं आपको ये एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। सपोज आपके पास 100 शेयर्स है ऑफ इन्फोसिस, आपके होल्डिंग पे इन्फोसिस के 100 शेयर्स है। आपने ये होल्डिंग से इन्फोसिस के शेयर्स 11 बजे आपने बेच दिए, बेचने के बाद 1 बजे आप उसी पैसे से वो शेयर्स अगर खरीद लेते हो तो एंड ऑफ द डे ये अर्ली पे नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आप पहले सेल कर रहे हो, फिर उसको 1 बजे आप फिर से खरीद रहे हो, तो ये ट्रेड आपका इंट्राडे ट्रेड कहलाएगा। तो उस अर्ली पेन इंट्राडे सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपका पोजीशन क्या जीरो आउट हो गया। आपने 100 पहले बेचे फिर 100 पहले खरीदे, तो एंड डे आपका रिजल्ट क्या जीरो आ जा रहा है, तो उसके वजह से अर्ली पेन पॉसिबल नहीं होता है। तो फॉर दिस रीजन ब्रोकर्स अर्ली पेन यूज नहीं कर सकते। कौन से सिचुएशन में? जब आप कोई स्टॉक बेचते हो और उसी दिन वही स्टॉक फिर से उसके प्रोसीड से खरीद लेते हो, फिर अर्ली पेन पॉसिबल नहीं है। उस केस में आपको VAR + ELM मार्जिन देना पड़ेगा ऑन सेलिंग। फाइन, और अगर आपको फिर भी वो ही स्टॉक फिर से उसी दिन ही खरीदना है तो फिर आपको रिक्वायर्ड VAR + ELM मार्जिन रखना पड़ेगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। आई होप दैट्स क्लियर। सो आई होप आपको रीसेंट सेबी रेगुलेशंस और अभी जो फर्दर ब्रोकर से अपडेट आया आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अर्ली पे इन का रूल अच्छा लगा देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ऐसे वीडियोज और स्टॉक अपडेट्स और कंपनी रिव्यूज और देखना है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।